इतनी डांट पड़ी ये क्या किया है पता चला अच्छा पढ़ क्यों रही है डांट तो, तो भी फोटो सहित चार पन्नों का दो पन्न दो पन्नों में रचना की बड़ी तारीफ की थी दो पन्नों में एकदम प्रेम पत्र लिख भेजा था उन्होंने कि मुझे लगता है मैं कहानियों की भीड़ में बैठा हूं मुझे लगता है कि मैं कहानियों की भीड़ में बैठा हूं और कितनी ही कविता पीरा से तरप रही हो गे जैसे सत्ता से बैठे ऐसे भोगते कुबेर ऐसे सत्ता सीने बैठे ऐसे ढिंढोरा वो पीट रहे महलों में देखिए है।, है मलाल उसकी रवायतों से तो है मलाल उसकी रवायतों से तो सीधे सीधे अपनी बात रखिए कब कहा क्या हो जाए हम कह नहीं सकते जो जो करना है कर लो एक ही जिंदगी है आपकी एक और पॉडकास्ट मेरे दिमाग में है जिसमें ना ये हम ओशो वाले टॉपिक रखेंगे जीवन के बारे में आपसे सुनेंगे नमस्कार आप सुन रहे हैं द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद मी गौरव सिन्हा तो मीनाक्षी जी वेलकम टू द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आमंत्रण के लिए आपको कैसा लग रहा है माइक की दूसरी तरफ बैठे हुए अब आप सवाल नहीं कर रहे आपको सवालों के जवाब देने एकदम से नया अनुभव है ये मेरे लिए <laughs> और बहुत ही अच्छा लग रहा है मीनाक्षी जी सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको अगर डिफाइन करना हो मुझे तो मैं कैसे करूं क्योंकि मैंने सोचा था कि पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा पर मैं चाहता हूं कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करें ताकि अच्छी तरीके से कर सकें क्योंकि मैं करूंगा तो मैं कहूंगा कि मीनाक्षी एक लेखिका हैं जो कि एक हाउसवाइफ भी हैं और साथ ही साथ वो मतलब लिखने में वीडियो बनाने में यूट्यूब में इंस्टाग्राम पे बहुत जगह उन्होंने अपने हाथ फैलाए हुए हैं और प्रयास कर रही हैं और कहते हैं ना कि एक हरफन मौला होता है जो कि बहुत कुछ बहुत चीजें एक साथ कर रहा होता है उसे बहुत कुछ सीखना भी होता है तो मैं कुछ वैसा इंट्रोडक्शन दूंगा जो कि मुझे लगता है आपको देख के मुझे नहीं लगता कि सही होगा एक इंट्रोडक्शन तो अगर आप अपने बारे में कुछ खुद से बताना चाहें दर्शकों को सबसे पहले तो नमस्ते आपका भी और सभी दर्शकों का भी जो हमें देखेंगे या सुन पाएंगे बाद में जी। और मीनाक्षी को अगर डिफाइन किया जाए तो एक घरेलू महिला जिन्होंने अपने जीवन में जब वो जॉब कर रही थी शादी हुई आमतौर पे जैसा होता है मिड क्लास में छोड़ दिया फिर सेटल हो गए पति के साथ फिर धीरे धीरे जो अंदर जो एक रह गया था कि कुछ करना है कि लोग हमें जाने एक बहुत पहले से था कि आ, मैंने पढ़ रखा था कि नाम वो कमाया होता है जो आपके नाम से आपको पिताजी को जाने या तो लोगों की हर किसी का अपना अपना नाम और प्रयोग होता है तो वो एक नाम बनाने की ललक थी कि हमें कोई जाने तो एक ये रीजन रहा दूसरा लेखन साहित्य से जुड़ना पढ़ना बहुत अच्छा लगता था तो बहुत समय तक आते आते ये हो गया कि चलो क्यों ना इस पे भी काम कर सकते हैं ये भी हो सकता है क्योंकि लिखने का शौक तो बहुत पहले से था पढ़ने का भी था और एक टाइम पे क्या होता है ना कि जो हम जैसी महिलाएं होती हैं जब अपने युवा काल में होते हैं एग्जाम्स खत्म हो गए तो मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ तो छुट्टियों का ना बड़ा से सदुपयोग होता था नाइन्टीज में या तो माए स्वेटर बनाना सिखाती थी या क्रोसी या फिर घर में और या फिर अल्पनाएं के तो कला कहीं ना कहीं वो आती गई तो साहित्य भी एक कला का अंग है जी। तो ये जो कल्पना उकेरना अल्पना उकेरना कल्पनाओं में रंग भरना लिखना और बातें करना बहुत ज्यादा ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आती गई तो जो चीज खत्म हो गई थी एक समय पे फिर से वो वापस शुरू हो गई तो लिखती भी हूँ और होस्ट भी करती हूँ वीडियो मेकिंग भी करती हूँ हरफन मौला कह सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं मुझे लगता है कि खाली नहीं बैठो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए बिल्कुल तो मैंने मतलब मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही बता दिया कुछ चीजें रह गई थी जैसे आप बुक रिव्यू भी करते हैं समीक्षाएं भी, हाँ, है, रिव्यू भी, रिव्यू। भी करते हैं और उपन्यास आप ऑलरेडी लिख चुके हैं एक जो कि काफी पढ़ा जा चुका है और इन दिनों जो मैं देख रहा हूँ कि आपका जो फोकस है वो मोटा मोटा यूट्यूब पर ज्यादा है बिल्कुल बिल्कुल आजकल जो है बुक पढ़ने का शौक तो हमें था ही तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे भी काम किया जाए हम एक अच्छा आंकलन हर लेखक को राइटर को कभी को चाहिए होता है तो ये अभी नया है शुरुआती दौर पे हूँ कि अब मैं समीक्षा कर रही हूँ लिख रही हूँ और रिव्यू कर रही हूँ वीडियो के माध्यम से भी तो आ, कुछ वीडियोस मैंने अभी एक दो, दो बनाए हैं मैंने रिव्यूज के और रिटर्न में आ, इंस्टाग्राम पे है अब देखते हैं ये लोगों को कितना पसंद आता है तो लेखिका होने के साथ साथ कवित्री भी और साथ में वीडियो एडिटिंग करना, है आपने जैसा कि बताया कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं और अभी फिलहाल आप दिल्ली एनसीआर में है तो वहीं चलते हैं तो दोबारा वहीं नाइनटीज में चलते हैं बचपन की तरफ तो जी। कैसा रहा और कहां पे आप बिहार में पले और कैसा वो माहौल था मैं हूँ अररिया बिहार अररिया भी हमारा डिस्ट्रिक्ट हुआ जिला हुआ और गांव है वहां से आती हूँ हमारे गांव का नाम है बटूरवाड़ी कभी सुना भी नहीं होगा आपने बटूरवाड़ी हाँ मतलब गांव के नाम तो इंडिया में इतने हाँ। हैं कि सॉरी हाँ। सुनाओ हम तो चलते हैं अररिया बिहार हमें अपने गांव के नाम याद होते हैं हाँ। होते हैं हैं <laughs> उसके अलावा बहुत कम बिल्कुल तो मैं अररिया बिहार से हूँ पढ़ाई लिखाई तभी गांव का माहौल बहुत ज्यादा अब तो थोड़ा डेवलप थो हो गया है तभी रोशनी नहीं थी हमारे यहाँ बिजली नहीं होती थी लैंड होती थी मुझे याद है दो हजार पांच में बिजली आई थी मेरे गांव मम्मी मेरी ग्रेजुएट थी उस गांव की पहली महिला लड़कियों ने भी नहीं पढ़ाई की थी पापा मेरे बेसिकली केमिस्ट हैं, तो मम्मी ने हमेशा बाहर रह के ही पढ़वाया। मैं नानी के यहाँ पढ़ती थी भागलपुर भागलपुर पढ़ाई लिखाई मेरी वहीं पे हुई। मिडिल स्कूल तक फिर घर आए कुछ दिन वहां मतलब मैं अपने आप को कहती थी घुमंतु भेटिया खाना बदोस वाली जिंदगी थी बैग पैक किया और निकल गए कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां तो हाई स्कूल मासिक यहां रह के हुई और कॉलेज आना जाना लगा रहा अकेले ही आना जाना हर जगह होता था तो क्योंकि गांव में लड़कियां हाँ पढ़ती नहीं थी उतना था नहीं वैसा माहौल मैं लड़कों के साथ ही जाती थी पढ़ने तो जो कुछ दिन मैंने एक दो साल पढ़ाई की वहां पे और वही चलता गया फिर इसी तरह पढ़ाई कंप्लीट हुई उस बीच जॉब भी हुआ मैं कोचिंग क्लासेस देती थी ट्यूशन देती थी मैं फुल डे बिजी शेड्यूल होता था यही चल रहा था तभी बिजी होता था और अभी बिजी है तो मिनाक्षी हमेशा से बिजी रही हाँ, मैं खाली नहीं बैठ सकती <laughs> एक टाइम पे मुझे याद है शादी के बाद जब मैं गुड़गांव आई थी <laughs> तो मैंने गेम बहुत खेले वीडियो <laughs> गेम बहुत खेले मैंने मैं बैठ नहीं सकती खाली तो कुछ ना कुछ चलता रहता था तो फिर आपने बोला कि साहित्य में शुरू से कुछ ना कुछ तो रुझान मतलब पहले तो था भी नहीं हमारे पास जैसे टेलीविजन ही होता था वो भी हर जगह नहीं होता था मोबाइल तो हाँ और जो मोबाइल है वो तो उस वक्त मतलब आया भी नहीं था या नया नया आया था तो किताबें ही होती थी मतलब जो हमारा जो एक टाइम होता था जहाँ पे हम स्पेंड करते थे आराम से किताबें पढ़ना या फिर चाहे वो कुछ भी हो चंपक हो या और भी जो मैगजीन आती थी या फिर आप खुद जो लोकल मैगजीन आती हैं जो पढ़ते हैं तो मुझे लगता है उस टाइम पे बच्चे ना कविताएं वगैरह बहुत पहले से पढ़ना शुरू कर देते थे आ, मुकाबले अभी के अगर मुकाबले हम बात करें तो मैं बताऊं कि मेरा बचपन इन्हीं सब में बीता मुझे याद है गर्मी की छुट्टियां होती थी जब मैं आती थी घर अपने तो पापा मेरे बालहस ला के देते थे मुझे याद है मेरे पापा ने पहली किताब दी थी मुझे इतनी पसंद आई और इतनी सनक थी सनक लगी किताब पढ़ने की फिर से कहानियों का पापा मेरे पढ़ने के बहुत शौकीन थे मम्मी भी थी तो हमारे घर में किताबों का यूं ही अंबार लगा रहता था हर महीने कुछ ना कुछ आता जाता रहता था तो उसके बाद जब मैं फिर ननिहाल वापस आई गर्मी छुट्टियों से लौटे तो हमारे यहाँ ना सैटरडे होता था बाल सभा करके बच्चों का कुछ रखा जाता था साहित्यिक प्रोग्राम जिसमें वो अपने मन से कुछ भी कर सकते थे आप लिखें कविता सुनाएं डांस करें कुछ भी करें तो उस समय कुछ ना कुछ तुकांत में जैसे जोड़ जोड़ के लाइन्स बनाना सुना देना ये बड़ा होता था टीचर्स की बड़ी सबासिया मिलती थी ये फोर्थ स्टैंडर्ड की बात है ओके। तो वो ना एक हौसला मिलता चला गया फिर उसके बाद वो चंपक नंदन आते उसमें एक कॉलम बना होता था चित्र पहेली होता था फिर कुछ कविताएं रचनाएं भेजे तो उस समय कहो किसे तो कटिंग कर करके बना के फिर उसे इन वाला बना के वो पोस्ट करती थी मैं इसी तरह ये तो चलता रहा रुझान बनता रहा पढ़ती रही टेंथ में आई चलो एक किस्सा मैं आपसे शेयर करती हूँ उस समय एक शहीद <laughs> जगदेव प्रसाद की एक स्मारिका आती थी छमाही Okay. तो वो थी हाँ कुशवाहा दर्शन पे वो जातिगत जो व्यवस्था है उसके ऊपर वो थी okay. तो वहां पर हम्म वो संपादक हमारे घर आए थे डॉक्टर संत जी तो काफी अच्छा था जैसे आप पढ़ते लिखते हैं ना तो उस समय जो भी लोग मिलते हैं वो आपको बड़ा मतलब इतना आपकी तारीफ करेंगे आपको सवासी देंगे तो एक ललक होती कि मैं भी कुछ करूं तो वो उन्होंने कहा हाँ तुम लिख सकती हो और मैं अपने टेंथ में पूरे डिस्ट्रिक्ट में थर्ड नंबर पे आई थी तो एक वो अंदर से और भी था कि हमें करना है तो मैंने एक ब्राह्मण ब्राह्मणवाद के खिलाफ <laughs> ब्राह्मणवाद के ऊपर एक पोएम लिखी थी कविता और एक आर्टिकल लिखा था स्त्री के ऊपर हाँ मेरी आवाज को तो लेकर बहुत होता था तभी आ, कि तुम्हारी आवाज ऐसी है बहुत खड़ी है मतलब भारीपन है तो स्टेज पे अक्सर ना माइक पकड़ा देते थे सर तुम यही वाला जिम्मा संभाल लो तो भाषण देने में बहुत आगे रहती थी मैं नाम पुकारने में होस्टिंग करने में तो वो रहता था बहुत ज्यादा नहीं लेकिन जिस लेवल पे भी गांव में होता था उतना उतना करती थी यहाँ तक कि जो शादियाँ होती थी ना तो जो शादियों में वो ना भी अंदन पत्र हाँ आज पढ़ तो तो वो भी आ, पढ़ती थी मैं लोग बड़े प्रभावित हाँ डॉक्टर साहब की बिटिया कर रही है बहुत अच्छा बोला है उसने तो एक हौसला मिलता चला जाता है अपने आप में ये लगता है कि हाँ चलो हम भी कुछ कर सकते हैं तो मैंने एक छोटा सा पासपोर्ट साइज का फोटो और वो दोनों रचनाएं भेज दी पटना वो पटना से निकलती थी ओके तो 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 वो छपके छपके आ के आ गई गई तो उसके बाद तो हमारी छुट्टियां स्टार्ट हो गई हम तो चले गए हमें पता भी नहीं कि हमारी रचना छपी है घर पे आई तो वो छोटा सा कस्बा होता है देहात से थोड़ा आप आगे निकलते हैं गांव से जहां मार्केट होते हैं कुछ दो चार दुकानें होती कस्बा कहते हैं तो वो पूरा उसमें फोन तो होता था वो बेसिक होते थे तो उतना कौन ही किसी फोन करता मोबाइल का तो जमाना था नहीं जब मैं एक महीने के उपरांत अपने नानी के घर से वापस लौटती इतनी डांट पड़ी इतनी डांट पड़ी ये क्या किया है पता चला अच्छा पढ़ क्यों रही है डांट तो चार पन्नों का पत्र आया था मुझे लेखक का नाम याद नहीं अंत में दीवाना नाम लिखा था उसने भी फोटो सहित चार पन्नों का दो पत् दो पन्नों में उन्होंने रचना की बड़ी तारीफ की थी दो पन्नों में एकदम प्रेम पत्र लिख भेजा था उन्होंने क्या बुढ़ी तो वो घटना जब भी याद आती है बड़ी हंसी लगती है लेकिन उस समय तो बहुत दुखी हुए बड़ी डांट पड़ी क्यों डांट पड़ी मुझे आज तक समझ भी नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या गलत किया था और उसमें फोन नंबर भी था तो वो जब माहौल थोड़ा हल्का हुआ घर से निकलना भी बंद हो गया था नहीं जाना है कहीं कुछ नहीं करना है कुछ भेजना नहीं है पोस्ट ऑफिस नहीं जाना है लाइक ये सब दस दिनों के बाद या दस बारह दिनों के बाद मैं बाहर गई बूथ पे गई नंबर पे फोन किया खूब डांटा तब जाके शांति मिली चलो ठीक है वहां से क्या रिएक्शन आया दीवाना जी का वो तो कुछ नहीं, बोली नहीं बोल ही नहीं पाया बंदा बोल नहीं दिया मैंने <laughs> ये बढ़िया चलो क्या आ, हो दो रूपए हो सकता है अभी वो दीवाना जी सुन लें कहीं दूर <laughs> बैठे हुए तो उनको याद आ जाए कि हाँ मैंने ये काम किया था फिर मुझे 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 अच्छे से याद है उसके बाल इतने लंबे लंबे तो घर तो में सब हंस रहे हैं, देखो कभी कैसा होता है मतलब, <laughs> <laughs> तो हो सकता है वो फोटो की वजह से डांट पड़ी हो अगर कुछ थोड़ा ढंग के लड़के का मैंने तो 2003 में, में तभी की बात है ये <laughs> तो यार वाले अगर बोलते शादी करके भगाओ हाँ उनको लगाओ यार ये ये कैसे कैसे लड़के भेज रहे हैं प्रेम पत्र आ, मतलब तो, तुम क्या कर रही हो कि आ, लव लेटर्स आ रहे हैं तुम्हारे घर पे ये वाला रिएक्शन था और अब वो सच बताऊं तो गौरव जी सच में पापा ने रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे टेंथ में और आ, मैं जब 11th में मतलब फर्स्ट ईयर में थी इंटर में लड़के वाले भी देखने आए थे तो गांव का जैसा माहौल था तो उस हिसाब से बड़ा पटा था लेकिन मम्मी पे पूरा भरोसा था हालांकि मम्मी से थोड़ी अनबन चलती रहती थी तो हाँ ठीक है कोई बात नहीं पापा कह रहे हैं देख लो ऐसे कुछ नहीं होता है कुछ नहीं चलो ठीक है तो आया लड़का बड़ा अच्छा था स्मार्ट लंबा चौड़ा सब बड़ा बढ़िया ठीक है, है तो उन्होंने नापसंद कर दिया बोला लड़की थोड़ी दब है कलर में अच्छा। तो उतना मेरे को इफेक्ट नहीं किया मुझे उतना इफेक्ट नहीं किया उसकी बातों ने लेकिन मैंने घर में बहुत हंगामा मचाया किस बात को लेके कि रिजेक्ट किया या फिर मुझे शादी के लिए आप लोग फोर्स कर रहे हैं आप लोगों ने शादी के लिए मुझे पुश किया दबाव बनाया मेरे ऊपर मेरे रंग पे वो बोल के चला गया ये वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ मुझे पढ़ना था ये सब करके क्योंकि ना एक कहते हैं ना दिमाग में उल्टे रास्ते बड़े आते हैं दिमाग में जब उस एज में होते हैं हम की आधे वादी नहीं करनी अभी थोड़ा पढ़ लिख लें क्योंकि हम बाहर के माहौल में पल रहे थे जो हमारे दोस्त थे जिस जिस तरह की जगह में हम रह रहे थे वहां ऐसी ऐसी कोई बात नहीं थी लेकिन वही बात है तो फिर मम्मी पापा का ध्यान दो रहा थोड़ी देर के लिए हो गया पांच साल के दीवाना तो। तो मतलब जी ने जो शुरू किया था और <laughs> इसी बहाने मतलब मुझे लगता है कि आप में भी वो एक क्या कहते है कि ना लड़ने की अपनी बात कहने की उस मतलब एक मौका मिल गया इसी बहाने तो शायद हो सकता है परिवार वालों को भी थोड़ा सा हो कि नहीं जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है नहीं एक्चुअली ये बात नहीं थी आम, ये तो किस्सा हुआ था मैं जहाँ पापा को इन सब बातों से उतना इफेक्ट नहीं पड़ा था, हाँ, थोड़ा बहुत पड़ा था था थोड़ा बहुत लेकिन गांव में ना लड़कियों की शादी बड़ी जल्दी हो जाती है तो वहां पे लड़कियों की शादी बड़ी जल्दी हो जाती थी तो घर वालों से ज्यादा चिंता पूरे गाँव समाज को होता है कि फलाने की लड़की बड़ी हो रही है शादी नहीं कर रहे हैं ऊपर से देखने में इतनी आदब है तो ये वाला सेंडो रहता है तो उनपे दबाव रहता है समाज का बस ये वो रंग को लेके देखने में रंग दबाओ रंग को लेके भी लड़की है लड़कियों के साथ ही जल्दी कर देनी चाहिए बहुत सारी चीजें रहती हैं उनकी, उनकी अपनी परेशानी वो तो अभी <laughs> भी है मतलब अभी भी उतनी कम नहीं हुई है है थोड़ा एज जो बार है, वो बढ़ गया उस किस्से के बाद मेरा लिखना बिल्कुल छूट गया मैंने भी छोड़ दिया वो फिर डायरी डायरिया जमा होती रही डायरिया भी ऐसी वैसी नहीं पांच छह जमा हो गई थी मोटी मोटी रोज रोज लिखती थी आज मैंने ये किया आज ये हुआ आज वो हुआ तो ये भी चलता रहता था जर्नल तो जो उस होता उसके बाद तो दिन का कच्चा चिट्ठा या उसमें कविताएं भी हाँ, होती हाँ।, थी। हाँ कविताएं भी होती थी उसे आ, कितने पन्ने जो लगता था बाद में अरे ये मैंने लिखा है पापा के हाथ में पड़ गया तो क्या सोचेंगे फिर उसे जलाया भी बहुत तो ये भी होता था अपनी डायरियों और कहानियों का किस्सा मेरी एक उपन्यास है छोटी सी उपन्यास पब्लिश नहीं करवाया है मोना उसमें मैंने जिक्र भी किया था तो अब आते हैं दोबारा से ये तो आपका लिखने का हो गया जो बड़ास निकालने का हो गया फिर लिखा लिखना छूट गया तो फिर से दोबारा से कब शुरुआत हुई या फिर दोबारा आप कब लिखने पे पहुंचे दोबारा दोबारा शुरुआत हुई शादी हो गई क्योंकि उस बीच फिर समय नहीं मिला फिर उस और ध्यान भी नहीं गया सेट बिजी इतना हो गया शेड्यूल हमारा कॉलेज घर फिर कोचिंग्स होते थे बहुत सारे बच्चों की क्लासेस लेती थी मैं तो वो हो गया शादी हो गई फिर घर गृहस्थी में उलझ गए पहला बेटा हुआ मेरा उसके बाद आ, कुछ फैमिली है फैमिली में शादी हुई तो और भी ज्यादा जिम्मेदारियां हुई वहां पे तो मेरे एक देवर लगते हैं आ, बड़ी वाली बुआ के लड़के हैं तो उनको पता है मैं लिखती हूँ क्योंकि वो वाला जो टॉपिक है जो मैंने लिखा हुआ था वो किताब मेरे ससुराल में भी थी तो इस बात को लेके भी बहुत बात जाते हैं लोग कि तो उन्होंने कहा भाभी आप एक काम करो योर uh, कोड करके एक एप्लीकेशन आता है वहां लिखा कीजिए आप अच्छा लिखते हैं पूरा आपको मन भी लगा रहेगा क्योंकि मैं खाली बैठ नहीं सकती थी कुछ ना कुछ चलता रहता था तो घरेलू काम जितने हैं वो सारे आते थे आते ही हैं यहाँ तक कि वो कुकिंग uh, हो कढ़ाई बुनाई हो सारी में फॉल पिको लगाना तो वो भी चलता रहता था तो मैंने कहा हाँ चलो इसको भी ट्राई कर सकते हैं तो जब योर कोट uh, uh, मैंने 2018 में इंस्टॉल किया ओके okay. तो मुझे इतना पसंद आया वहां पे अपने जैसे लोग मिले जी। तो फिर वापस में लिखना शुरू हो गया बिल्कुल अच्छे से कि हाँ अब लिखना है मुझे 2018 से सोशल साइट्स पे मेरी जर्नी शुरू हुई सितंबर 19 सितंबर को मतलब तकरीबन छ साल हम्म छह साल से फिर कंटिन्यू बनी हुई हूँ हु मैं जी योट का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि वहां के बने रिश्ते अभी भी अच्छे हैं और जिन लोगों ने पढ़ा सराहा उसकी बदौलत हम यहाँ पहुंचे और कहा भी गया है जब आपके पास एकमात्र केवल रास्ता होता है तो जिंदगी ना और चलने की जो ख्वाहिश है ना बहुत आसान होती है चारों तरफ जब रास्ते निकलते हैं ना तो दिमाग भी बड़ा भटकता है तो वहां लिखने की जो आ, एक बात बनी हमने जो लिखना शुरू किया था राशा जो अपने आप को वो वही पे हो, जी अच्छे से वही बड़ी अच्छी बात कही आपने कि जो जब आपके पास चॉइस ज्यादा होती है तो फिर वो उतनी ज्यादा उलझने आपके दिमाग में बढ़ जाती हैं वो हर मतलब हमारी जिंदगी के हर हिस्से में होता है चाहे वो आप आ, शादी के लिए रिश्ते चुनने वाली बात कर लो आजकल कि इतनी चॉइस है कि लोग चूज ही नहीं कर पाते और पहले अगर हम थे कि ठीक है दो चार हैं उसमें से आप चूज करो और वो भी ठीक होता था तो इसको जो पैराडॉक्स ऑफ चॉइस भी कहते हैं कि जितने आपके पास ऑप्शन होंगे उतना आप कंफ्यूज होगे और उतना आपको टाइम लगेगा एक्शन लेने में तो वो तो इससे आते हैं दोबारा आपकी रचनाओं की तरफ तो कोई ऐसी रचना हो जो आप हमेशा पढ़ना चाहती हो अपनी खुद की लिखी हुई एक रचना जो मुझे लगता है कि मैंने खुद के लिए ही लिखी है ये, ये रचना मैंने लिखी थी 2019 में तेरे जैसी मैं कविता इसका है। मैं कविता उलझे से बेतरतीब बाल खुले रखे हैं मैंने उलझे से बेतरतीब बाल खुले छोड़ रखे हैं मैंने बिंदी कभी लगाती हूँ कभी यूं ही छोड़ देती हूँ लाली कंगन पायल झुमके बिछवे सब है सहेजे मैं बिल्कुल अपनी कविता सी हूं या मुझे लगता है कविता संभवता मुझे ही गढ़ती है मेरे जीवन में अतुकांत सी चली आती है मेरे जीवन में अतुकांत सी चली आती है कभी भी कहीं से निकल पड़ती है ना चूल्हा देखती है ना चौका देखती है मेरे बच्चे के दूध के दांत में भी दिख जाती है मुझे मेरी कविता छंद अलंकार विन्यास सब छोड़कर सरपट भागती है और गंतव्य जाकर ही ठहरती है ऐसा भी नहीं है कि देखो मैं सजती नहीं ऐसा भी नहीं है कि देखो मैं सजती नहीं सुनो जब अपने बालों को उंगलियों से मैं सुलझाती हूँ तब मात्राओं के गुणन भाग में भी रच जाती है मेरी कविताएं फिर सारे श्रृंगार अलंकार करते हैं मेरा फिर सारे श्रृंगार अलंकार करते हैं मेरा और आंगन को लिपते हुए गूढ़ अर्थ ढूंढते हैं आंगन को लिपते हुए गूढ़ अर्थ ढूंढते हैं शब्दों का चयन करते हैं जैसे पूरी जिंदगी मैंने अपने घर को करीने से सजाने में लगाती है ठीक फिर वैसे ही बन जाती है मेरी कविता एक ही खाने से जायका ना बिगड़े एक ही खाने से जायका ना बिगड़े रोज की थाली में भात दाल क्या परोसे जरा आस परोस पका है क्या वो भी सीख के कभी कभी पका कर हांडी से स्वयं छान कर अलग अलग स्वाद चखने को देती है मेरी कविता और प्याज के साथ में सीखी रोटी वो छनिका कभी छप्पन भोग परोसती है मेरी कविता कई रातों की नींद खोकर तुकांत भी बनाती कई रातों की नींद खोकर तुकांत भी बनाती जैसे अपने प्रेमी से मिलने के सौ जतन और बहाने बनाती और फिर जाकर मेरे भावों को रचती है मेरी कविता खूब हंसती है कभी कभी बिना बात के खूब हंसती है बिना बात के कभी कभी शिव जी का प्रसाद मिला हो जैसे मदहोशी के भवर में हास्य के साथ मेरी कटाक्ष भी झगड़ती मत पूछो क्या क्या होता फिर से मुझे तरोताजा कर जाती कभी मुलायम कभी अकड़ती कभी बिना बात के भी गरज बरसती गुर्राती है जोरों से हाँ गुर्राती है जोरों से घर से बाहर जब वो निकलती चीखती है वो भूखों पर सिस्टम पर धरती पर भरी ज्ञान की बिसातों पर और रत्ती पर भी भाव नहीं मिलता मेरी कविता को कभी मिल भी जाए तो वो नहीं लेती दाता है भड़के देता है जब वो मदद करती है और खूब प्रयास भी करती है मेरी कविता और चित्रों में लिपटे काया को देखकर सड़कों पर चित्रों में लिपटे काया को देखकर सड़कों पर वेदना से भर जाती है कोसती है ईश्वर को ना कुछ कर पाने की अपनी असमर्थता को तब रो पड़ती है और सोचती है कुछ नहीं कर पाती तो हृदय मलिन क्यों होता मेरा ना होती जर्जर -जर मैं और मेरी कविता क्या बात, है। बहुत, बात है।, बहुत, है बहुत 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 सुंदर और जिस तरीके से आपने पढ़ा है तो ये मतलब कमाल मतलब मुझे शुरुआत होती है कविता की एक होता है ना कि एक उमंग से खुशी से लहराते हुए बालों से और आते आते फिर जो समाज के जो दुख झील देख रहा है जो लिखने वाला वो और फिर उससे अपने आप से जोड़ के तो बहुत ही बहुत बढ़िया लिखा है आपने खूब आभार और ये कब लिखा है मतलब कब की दो हजार उन्नीस में जब मैंने शुरुआती पे शुरू किया था। हाँ, तो ये मुझे, ये मुझे लगता है आपकी शुरुआत से लेके तब तक की जो जो सफर रहा है ना उसको आपने एक कविता में निचोड़ के रख दिया है जी कह सकते हैं कि खुद पे ही रची हुई है ये कविता जी और ये एक कितना अच्छा एक उदाहरण भी है कि आप कई लोग ये सोचते रहते हैं या कई लोग पूछने भी आते हैं कि हम कैसे लिखें कैसे शुरुआत करें मतलब क्या टॉपिक कैसे चुने मतलब आपसे भी लोगों ने पूछा होगा कभी जो नया लिखना शुरू करते हैं तो ये एक उदाहरण है कि आपको जब लिखने आप बैठते हो तो जो प्रेरणा है वो खुद से अंदर से आती है कहीं आपको बाहर खोजनी नहीं पड़ती है तो आपके जो अनुभव हैं जो आप जैसा जिंदगी जी रहे हैं जैसे आप देखते हैं दुनिया को या खुद के अंदर झांकते हैं तो अपने आप ही फिर जो शब्द हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं तो ये कविता अगर कोई भी सुनेगा तो ये एक एग्जाम्पल है उसके लिए उदाहरण है कि देखिए अब कैसे जब बात अंदर से निकलती है तो वो फिर अपने आप ही कविता बन जाती है बिल्कुल धन्यवाद इतनी खूबसूरत के लिए अगर आपने भी देखा होगा आजकल हम जो सुनते हैं जो टू लाइनर्स होते हैं और उसमें तुकबंदी ज्यादा होती है मीनिंग बहुत कम होता है तो अब जैसे आपकी ये कविता अच्छी खासी मतलब ये कोई छोटी कविता नहीं है अगर आपको इसको शब्द कहीं पढ़ने पे लिखेंगे जी मेरे अधिकांश कविताएं लंबी ही हैं कभी कभी जो सोशल मीडिया पे वर्ड का काउंट लिमिट होता है हमारा इस वजह से कुछ लाइंस आते हैं कैप्शन में आते हैं ये। तो अधिकतर कविताएं लंबी ही होती है तो वही है कि अब अगर कई लोग होते हैं जो लिख रहे हैं सिर्फ वो सिर्फ वाह के लिए होता है आप दो लाइनों में या एक लाइन को लिख के आप तसल्ली हो जाती है उस उन कई लोगों में से हो सकता है हम भी हों मैं भी हूँ ऐसे नहीं कि हम किसी पे उंगली उठा रहे हैं हम खुद भी वही करते हैं कि ठीक है छोटा सा है डाल दीजिए और वाह वाह बटोर लीजिए बट अगर आपको पूरा आप दिल से लिख रहे हैं और एक अच्छी खासी कविता लिख रहे हैं तो वो एक बड़ी बात है साहित्य में एक चीज आती है छनिका जी छनिका क्या है उसका अर्थ अगर पकड़े तात्पर्य तो छन से जो आपके मस्तिष्क में कौनता है विचार आप उसे जब लिखते हैं कलमबद्ध करते हैं और आजकल की भाषा में के पंच तो छोटी कविता छनिका कहते हैं तो वो लिख सकते हैं उसमें पर नहीं है छनिका में तो कांत कहाँ ये सब मायने नहीं, नहीं रखती है किस तरह कौन सा विचार कौन था और आपने उसे लयबद्ध किया कलमबद्ध किया उसका एक अपना ही है, होता है जी जी हाँ मतलब मेरा जो कहना था वो ये नहीं था कि हाँ भाई जो लिख रहे हैं तो उस तरह का उसमें कोई गलती है मैं सिर्फ एक जो मेरा अनुभव हाँ। है कि उसमें कुछ ना कुछ भाव भी होने चाहिए आपके ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से थोड़ा और वहां से थोड़ा उठा के लगा के आपने बोला कि आप बहुत अच्छा लिख रहे है मैं क्षनिका के बारे में कहूँ एक छनिका मेरी अपनी मुझे बहुत पसंद है मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी हॉस्पिटल में बैठी थी अचानक से कौन था इतने सारे पेशेंट को मरीज जब आपके आमने सामने होते हैं कि मुझे लगता है मैं कहानियों की भीड़ में बैठा हूं मुझे लगता है कि मैं कहानियों की भीड़ में बैठा हूँ और कितनी ही कविताएं सब पीरा से तरप रही है छनिका नहीं हॉस्पिटल में इतने सारे मरीज होते हैं सबकी सब अपनी कोई ना कोई कहानी होती है और कहानी क्या होती है ना पूरा का पूरा उपन्यास होता है और एक उपन्यास में सैकड़ों कविताएं होती है तो कितनी ही कविताएं परसव पीड़ा से तरपती है कहानियां कितनी सारी है जिसके बीच में मैं बैठी थी ये विचार बहुत सुंदर और ये एक लेखक की आप कह सकते हैं कि एक खूबी भी होती है और एक एक कमजोरी भी होती है कि हर हर चीज को हर लम्हे को उतनी गहराई से जाके हम महसूस करने लगते हैं कि फिर जीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बहुत मुश्किल होता है <laughs> जैसे अब आप हॉस्पिटल <laughs> गए हैं तो आपको बाकी चीजें ध्यान में रखनी है पर आपको उसको छोड़ के आप बाकी दर्द भी आपको अंदर वहां पे आ रहा है तभी वो आप इसे देख सकते हैं जी मतलब और लिख वो भी तो तभी सकते हैं। भी हो रहा है बहुत बढ़िया होली आने वाली है होली होली बीस <laughs> या पचोबीस मार्च को है ना समथिंग नहीं वो मुझे सिंह का डायलॉग हमेशा याद आ जाता है जब भी हम होली आने वाली तो मुंह से टाइप है लेकिन ठीक है <laughs> मैं कुछ छोटी सी कहानी सुनाती हूँ इस कहानी को आप अपने नजरिए से देखिए ये मेरे नजरिए में है कि एक स्त्री है लड़की हो प्रौढ़ावस्था में हो या गृहणी बन जाए छुट्टी कभी नहीं मिलती उसे और एक यो हो गया एक हास्य की दृष्टि से भी देखिए कि ऐसा भी होता है हाँ ये मतलब कि आ, मैं आपको बता दू वास्तु तो स्थिति समझा देती हूँ शादी फिक्स हो गई है और उसके बाद दूसरे चरण में शादी हो जाती है तीसरे चरण में बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बड़ी खामोशी से हाथों में गुलाल लिए मनोज प्रीति के घर के बाहर चोरों की तरह निगरानी रख रहा था और प्रीति को आवाज देकर चिल्लाता रहा वो गूंज कर्ण भेदी की भांति प्रीति पर प्रहार करती रही करती भी क्या प्रीति रसोई में मालपुआ छान रही थी टोक लगने की बड़ी समस्या थी वो मालपुआ छानते समय कहते हैं बोलना नहीं चाहिए टोक लग जाती है तो हृदय के हुक को मस्तिष्क ने जैसे तैसे रोक कर रखा था उधर मुट्ठी में रंग दबाए प्रीति श्वेत मदन हुआ जा रहा था तरुणी प्रीति अपनी माँ के निर्देश का पालन कर रही थी इसमें कुछ कठिन शब्द आएंगे वो इसलिए कि हास्य के दृष्टिकोण से लिखा गया था कि प्रीत श्वेत मदन हुआ जा रहा था प्रेम में पड़े उजले होते जा सफेद पड़ते जा रहे थे वो तो अबीर के रास में तो प्रथम प्राण प्रिया ही डूबेगी ऐसा उसने सोच रखा था मनोज ने कि अबीर के रास में तो प्रथम प्राण प्रिया ही डूबेगी कामदेव फाल्गुन में चरण सीमा पर मनोज के राग रंग में प्रति प्रिया प्रीति को आली घोषित कर चुके थे कि सर्वप्रथम तो प्रीति ही आएगी इधर प्रीति के मालपुए खत्म ही नहीं हो रहे थे कि माँ ने दही बरे के लिए इमली की चटनी बनाने का भी निर्देश दे दिया और कार्यभार सौंप दिया ओह एक और वज्रपात ओह एक और वज्रपात शिलाखंड टूट कर रंग रसिया के कलेजे को जीर्ण कर गया कप कपाहट की अवस्था में चलता फिरता तो मोबाइल फोन प्रीति के कमर पर अरदास करने लगा वाइब्रेशन होने लगा दो घंटे हो गए और अब तक मालपुआ नहीं छना हाँ भूख से बिलबिलाते हुए मनोज ने अपनी दयनीय दशा का वर्णन मुखवाणी से किया माँ ने चटनी भी बनाने को कहा है अच्छा सुनिए ना इस होली मेरे रंगरसिया मान जाइए अगली होली तो हम आपके साथ ही होंगे ना हमारी शादी के बाद आप जी भर के रंग लगाइएगा अभी आप नीचे जाइए और इस तरह परेशान करके हमारा इंतजार मत क्या कीजिए ये हमें अच्छा नहीं लग रहा अरे कोई बात नहीं पहले आपको तो रंग दू फिर ये रसिया चला जाएगा अरे आप भी ना आपकी बातों से ही हम शर्म से लाल हो जाते हैं ये बातें मोबाइल पे चल रही थी अब दूसरे उसमें आते हैं शादी के बाद अरे प्रीति जी कब से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ और अभी तक आप किचन में ही है शादी के बाद भी यही हाल है मनोज कमरे में बैठ के व्हाट्सएप पे मैसेज पे मैसेज किया जा रहा था प्रीति बिचारी ससुराल में मां के निर्देश का भली भांति पालन कर रही थी अच्छी बहू बनना था उसे आखिर आगे जाकर सब कुछ तो उसे ही संभालना था ओ, लंबी सी हाय लिखकर टाइप कर प्रीति ने मुस्कुराकर फिर से मालपुए छाने लगी ओ मेरा रंगरसिया ये वाला फेज खत्म होता है अब आता है बच्चे बड़े हो गए अः इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा मेरी प्रीतो तेरा रंगरसिया इस बार नहीं छोड़ेगा अरे सखिया गए बाल बच्चे बड़े हो गए हैं कुछ दिनों में बहू भी आ जाएगी दमाद बाबू बाहर बैठे हैं और आप किचन में घुसकर रंग रसिया बने पड़े हुए देख नहीं रहे, रहे मालपुआ अच्छा ना रहा है जा बड़ो ये था कहानी छोटा लास्ट में जो जा बड़ो था ये था ये अभी आपने ऐड की है <laughs> ये मालपुआ अच्छा ना रहा है नहीं जा बढ़ो नहीं था पर ये ऐड करूंगी <laughs> मुझे भी लगा ये पंचलाइन आई एकदम से एकदम से आया ठीक है Nice. बहुत बढ़िया मेरे पास दो कहानियां थी एक सफेद होली थी मैंने कहा नहीं नहीं मूड अच्छा करते हैं सफेद होली थोड़ी डार्क साइड में थी मैंने कहा यही स्टोरी को उठाते हैं हम्म हाँ वैसे भी आजकल थोड़ा मूड सबका खराब ही रहता है ज्यादातर तो जितना हो सके थोड़ा हाथ से व्यंग हो तो बढ़िया है बिल्कुल और एक मजे की बात ये भी है कि आ, अगर आपने गौर किया हो तो हास्य व्यंग भी वही लिख सकते हैं जो कि थोड़ी गहराई वाली बात या महसूस कर कर चुके हों या कर रहे हों या करते हों क्योंकि हर कोई हास्य व्यंग भी नहीं लिख सकता जो भी आपके आपके बड़े बड़े कॉमेडियंस हुए हैं पहले से लिखे या जो हास्य व्यंग लिखे लिखते आए हैं वो भी बहुत गहरे व्यक्तित्व वाले इंसान होते हैं मतलब वो चीजें महसूस करते हैं तभी वो उसको मजाक में उड़ा पाते हैं तो ये मतलब मुश्किल काम है तो आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है एक चीज याद आई आपने कहा मैंने लिखा था कुछ समय पहले आजकल व्यंग भी चाटु चाटुकारिता की श्रेणी में आ गया है आजकल व्यंग भी चाटुकारिता की श्रेणी में आ गया है आप देखो इस जमाने में वही चल रहे ये एकदम है ये एक ही लाइन का था क्षणिकता व्यंग जो है ना <laughs> एक लिखा था मैंने मनहरन घनाक्षरी पर है ये जो ये जो पॉलिटिक्स है उस पर लिखा था कि भोगते कुबेर जैसे सत्तासीन में बैठे ऐसे भोगते कुबेर ऐसे सत्तासीन में बैठे ऐसे ढिंडो रहा वो पीट रहे महलों में देखिए मौसमों को मात देते मौसमों को मात देते गरीबों को लात देते अंकलन भी तैयार डाटा बस देखिए अब भोगते कुबेर जैसे सत्ता से बैठे ऐसे ढिंडोरा वो पीट रहे महलों में देखिए जला सिंह भू भाग है पदासीन अवाक है जला सिंह भू भाग है पदासीन अवाक है महज समाचार है लिप्त है वो देखिए भोगते कुबेर ऐसे सत्ता से बैठे ऐसे ढिंडोरा वो पीट रहे महलों में देखिए गरीबों के घर फूके खेत खलिहान बिके गरीबों के घर फूके खेत खलिहान बिके आदमी बनाम आम सरकार देखिए भोगते कुबेर जैसे सत्तासीन बैठे ऐसे ढिंढोरा वो पीट रहे महलों में देखी ये इतना ही था। या बात। ये तो आपने बिल्कुल करारा प्रहार कर दिया है जितने भी कुबेर हमारे बैठे हुए हैं तो ये ये कहाँ से कब लिखा आपने और कहा से विचार आया मेरी अधिकतर रचनाएं मुझे लगता है मेरा लेखन का जो गोल्डन टाइम था सुनहरा योर ही था मैंने अच्छा लिखा वहां पर हाँ बीस बाईस तक ओके तो, ये तभी। तो इसमें जैसे एक लाइन थी कि जैसे बाढ़ की बात भी आपने की ना कि बाढ़ आती है गांव में डूबे रहते हैं बिहार में जी बिहार में गांव के गांव बह जाते हैं कोसी प्रकोप से और वहां के जो स्थानीय पॉलिटिक्स होते हैं पैसा उनका जेब भरता है ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आता है सरकार बहुत देती है पर वो उनके जेबों तक ही रहता है डाटा बस तैयार हो जाता है कोई नहीं जाता जमीनी हकीकत देखने मैंने आ, सरकारी स्कूल में मैंने काम किया हुआ है मिडिल स्कूल में पढ़ाती थी मैं एक प्राइवेट स्कूल से उससे भी कहीं अधिक हमें लगता है सरकार भेजती है स्कूलों में खाना मिट्टी मिल जो होता है किताब कॉपी और विज्ञान के जितने वो होते हैं साइंस के जो जो उसमें लगते हैं वो सारी चीजें सरकार क्या नहीं देती है पर वो नहीं पहुंचता है सही हाथों तक बिल्कुल बिहार में ऐसा नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था का बहुत खस्ता हाल है शिक्षा व्यवस्था सही है लोग सही नहीं है जो चैन है ना वो बहुत खराब है वही वही दिक्कत है और बाढ़ की जैसे आपने बात की बाढ़ में अभी जैसे मैं फिलहाल अब बिहार में ही हूं पटना में तो जी। अभी तो फिलहाल बाढ़ नहीं आई है एक दो साल से नहीं लेकिन जब आती है जैसे मेरा भी गांव है तो वहां लोगों की मतलब आधा साल तो बाढ़ से जूझने में ही लग जाता है और आ, मतलब गांव के गांव आपके शिफ्ट होते रहते हैं हर साल जैसे आपकी कोई जमीन आपकी नहीं है आप अभी हो बाढ़ आएगी वो जमीन पानी में चली गई फिर उस हो सकता है कि पता नहीं कितने टाइम बाद वो फिर दोबारा से नदी अपना रास्ता बदलेगी महीनों महीनों तक हाँ, तक हाईवे पे घर बना के रहते हैं जी जी यहाँ पे भी जैसे गंगा नदी है पटना में तो अभी अचानक से जैसे पानी बढ़ता है तो अचानक से लोग आके जो अब नया एक यहाँ पे मरीन ड्राइव जिसे बोलते हैं वो बनाया तो वहां आके लोग अब उस उसपे बैठ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि यार ये तो शो बिगड़ रहा है अब यहाँ पे तब रियलिटी दिखती है कि लोग किस कंडीशन में रहते हैं और ये तो चलो पटना कैपिटल सिटी है बट जो गाँव की है तो वहां जैसे आपने बताया कोई सुध लेने वाला है ही नहीं जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है और कहाँ पे खर्च होना चाहिए और कहा हो रहा है तो कई ए... बार क्या होता है ना कि जो आम लोग हैं जिनके हाथों में सहायता पहुंचनी चाहिए उन्हें खुद को नहीं पता होता है कि ये मेरा अधिकार है इसे अगर तो... मुखिया आके स्थानीय जो है पकड़ा दिया पचास रुपए तो वो खुश हो जाता है और सारे चार सौ रुपया उसके जेब में चले जाते हैं जी और यही है कि मतलब मेन जो सबसे दिक्कत यही है कि जो अधिकार है वो मालूम ही नहीं है चाहे आप इसको ले और भी चीजें ले लीजिए पूरे अभी जो हमारा हाल चल रहा है अभी इस वक्त कि जैसे अब सरकार कोई स्कीम लाती है जैसे आजकल अब स्कीम लेके आते हैं कि हम महिलाओं को मान लो एक लाख रुपए सालाना देंगे जो अभी ये एक स्कीम अब कोई लेके आ रही है पार्टी या फिर वैसे भी होता है कि हम आ, किसानों को कुछ देते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है या कुछ इस तरह की जो स्कीम या फिर जैसे दिल्ली में है अगर आप अभी दिल्ली में आना जाना होता है हो मुफ्त है महिलाओं के लिए बस डीटीसी बसों में चलना काफी टाइम से मुफ्त है तो या फिर आपका बिजली के बिल में थोड़ा सा वो डिस्काउंट देते हैं सब्सिडी देते हैं ये, ये जब स्कीम्स आती हैं तो हमारे यहाँ पे इतना तगड़ा प्रोपेगेंडा है या कि जो हमें जो दिखाया जाता है ना न्यूज वगैरह में कि ये देखो एहसान कर रही है सरकार जबकि सरकार का काम ही है लोगों के लिए मतलब ये सारी स्कीम्स लेके आना वेलफेयर स्कीम लेके आना वो जो सरकार कहीं और से पैसा नहीं लेके आती है वो हम ही से पैसा लेके हम ही देती है।, है तो हमारा वो हक हम है। इतना जी अब अगर वो महिलाओं को आ, मुफ्त में टिकट दे रही है ताकि वो लोग और अपना जो थोड़ा सा सेविंग कर कर सकें जो जो कामकाजी महिलाएं हैं अगर उनके दो हजार रुपए बच जाते हैं तीन हजार तो वो कहीं और लगा सकती हैं तो उससे भी इकोनॉमी बढ़ती है इनडायरेक्टली तो मतलब ऐसा हो चुका है कि आजकल यहाँ पे लोगों को सीधा वो जो रेवड़ी रेवड़ी बोल बोल के दिखा देते हैं चार बार फिर तीन महीने बाद वही रेवड़ी वो जो सेम लोग बोल रहे होते हैं वही बांट रहे होते हैं और लोग इसी में खुश हो जाते हैं कि लड़ रहे होते हैं आपस में कि देखो ये तो रेवड़ी कल्चर है जबकि वो आपका हक है आपको मिल रहा है क्योंकि आपने टैक्स दिया है तो आपको मिलना चाहिए और यही चीज आप बाहर विदेशों में जाओ तो आपको सब कुछ मिल रहा है फिर वही है कि बहस हो जाती है कि नहीं आपको इतना वो टैक्स देते हैं ये एक्स वाई भी जबकि टैक्स हर इंसान देता है एक रिक्शा जो चला रहा है इंसान वो भी अगर आप कुछ खरीदता है दो रुपए का सामान तो उसमें भी वो टैक्स देता है और ये भी एक मजे की बात है कि जो हमें लगता है वैसा है नहीं टैक्स गरीब आदमी ज्यादा देता देता है है और अमीर आदमी कम देता है। उसको वैसे भी कॉर्पोरेट टैक्स में सब्सिडी <laughs> मिलती है माफ किया जाता हाँ। है आपको किसानों का जो कर्जा है वो माफ नहीं होता उसके लिए अभी वो खड़े वहां पे होके उनको प्रोटेस्ट करना पड़ता है ठीक है अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है और जो कॉर्पोरेट वाले हैं उनका आपको इतना मुद्दा करवाया हुआ है जी हाँ वो तो है ही और अभी मैं अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख भी रहा था उसके अराउंड तो वो इसीलिए मेरे दिमाग में भी आया जब आपने ये पढ़ा तो कि क्या हाल हो चुका है कि मतलब हम लोग सवाल ही नहीं करते अब एक छोटा सा जैसे मैं बताऊंगा कि कल ही मैं पढ़ रहा था अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ तो टिकटॉक बैन है टिकटॉक होता था ना वीडियो बनाते हैं और जैसे भी भी बैन है वो यहाँ बैन है और वहां हाँ. पे अब उन्होंने कोई रातों रात एक बिल लाए हैं कानून बनाने के लिए कि इसको हम बैन कर सकते हैं जिससे तो वहां पे अचानक से लोग मतलब जागरूक हो गए और वो शोर मचा रहे हैं कि भाई पहले जो हमारे इश्यूज हैं पढ़ाई लिखाई को लेके या फिर लोन जो वहाँ पे बच्चों को स्टडी लोन होता है या फिर जो महंगाई बढ़ रही है उसको तो, तो तुम कर नहीं पा रहे तुम क्या बात कर रहे हो टिकटॉक तो लोग वहाँ पे एटलीस्ट जागरूक है हमारे यहाँ पे कुछ होता है कि जैसे अभी यहाँ का इस शहर का नाम बदल दो उस रेलवे स्टेशन का नाम बदल दो और लोग भी खुश हो जाते हैं हाँ हाँ भाई कि भाई गौरव का नाम वो कर दिया तो ठीक है चलो सब कुछ बढ़िया हो गया तो ये दिक्कत लोगों की ज्यादा है आपसे ही कह रहे हैं और लोगों को जो बहकाया जाता है वो तो अलग लेवल पे है ही

Uh, मतलब जो बहुत पिछड़े जगह से लोग वहाँ काफी नाम कमा भी बढ़ रही थी उनका, मतलब जैसे आना या उस तरीके से उनको मतलब मिलना वो सब मतलब अचानक से उनकी जिंदगी बदल गई थी और आप एक रात एक डिसीजन आता है टिकटॉक बैन उससे क्या हुआ कितने लोगों ने उनकी जिंदगी बर्बाद हुई उस उसपे किसी का फोकस नहीं किया हम जो आराम से यहाँ पे बैठे होते हैं इसी में जैसे आपने बोला भी वो लोग बोले हाँ, हाँ टिकटॉक तो बकवास है इसको तो बैन किया जाए अगर वो बकवास है तो वो अमेरिका में क्यों चल रहा है अमेरिका तो हमसे डेवलप्ड है ना भाई वहां क्यों चल रहा है वो अगर इतना ही बकवास है तो बकवास तो सब कुछ है वो आपके ऊपर है चलो ये बहुत गंभीर बातें हो गई अब हम आते हैं दोबारा से आपकी रचनाओं और खासतौर पे मैं वापस जाना चाहूंगा आपके उपन्यास की तरफ तो आपने ऐसे योर कोट बताया तो उपन्यास जो है जिसका टाइटल है विश्वासघात वो वो कैसे आया इसकी रचना कैसी हुई और कहानी बहुत समय से थी दिमाग में चल रही थी घूम रही थी और जैसा कि शीर्षक है विश्वासघात तो जब आप कहीं बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं सबसे पहले सेंध मारी वहीं पे होती है आपके विश्वास के साथ अति हमेशा बुरा होता अति सर्वत्र बढ़ जाते। तो विश्वास वहीं पे घात हुआ तो विश्वास घात आया इसमें रिश्तों के बारे में बात की गई है परिवार के बारे में बात की गई है लड़की के आत्मसम्मान के बारे में बात की गई है जमीन से जुड़े हुए लोगों की बात की गई है जो हमारा कल्चर है बिहार का वहां से जो लड़की उठती है अपने आप को फिर मजबूत करती है खड़ी होती है उसकी जो यात्रा है उसके बारे में बात की गई है विश्वास घात तो कैसा ये आई थिंक 2021 में आपने इसको पब्लिश करवाया था तो कैसा कैसा रिस्पांस रहा लोगों ने आपको फीडबैक सबसे पहले ये उपन्यास मैंने जैसा कि मैंने बताया था यूर कोर्ट पे मैं लिखती थी वहां पर मैंने शुरू किया था उससे पहले भी मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी है तो जो ऑनलाइन ई पत्रिकाएं होती ई मैगजीन उसमें भी बहुत सारी पत्रिकाएं मुझे भी इतना नाम भी याद नहीं होगा उसमें अक, कुछ ना कुछ छपती रहती है अभी भी छपती है पहले भी छपा करती थी तो एक हौसला जो है वो बुलंद होता रहता है लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ पढ़ के इससे पहले भी दो उपन्यास मैंने लिखे छोटे छोटे हैं पब्लिश नहीं करवाया फिर जर्नी शुरू हुई विश्वासघात की लगभग महीने चार से पांच महीने लगे इसे लिखने में प्रतिक्रियाएं इतनी अच्छी मिली जबरदस्त मिली सबसे पहले प्रतिलिपि पे लिखना शुरू किया था अभी भी वो स्टोरी वहां पे है बॉन्ड के साथ है प्रीमियम कैटेगरी में और सुनेंगे तो लोग कहेंगे चलो पढ़ाते मुफ्त वहां भी नहीं है है और जब उपन्यास पूरी तरह खत्म हो गई तो जो हमारे पाठक वर्ग थे उन्होंने कहा आपको इसे पब्लिश जरूर करवाना चाहिए क्योंकि एक आपको जब आई में नंबर नहीं मिलता है प्रूफ नहीं मिलता तो वो चोरी होने का खतरा रहता है जी। तो मुझे भी इस सब चीजों के बारे में बहुत अधिक मालूम नहीं था उस समय तो कहते हैं ना जो आपके वेल रिसोर्स होते हैं उनके पुश चलो आपको करना है तो मेरे तो अधिकतर काम जो हमारे आ, इतने अच्छे अच्छे चाहने वाले शुभ चिंतक हैं जो दोस्त हैं उनकी वजह है। से ही देती हुआ। <laughs> मैं पे भी आई, नाम नहीं ले सकती हर कोई कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाए हुए तो जिससे ये संभव हुआ छह सात महीने मैंने पब्लिशर्स के बहुत चक्कर काटे यहां तक को बोलू मैं मेरे पाठक वर्ग में कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने पब्लिशर से कांटेक्ट किया मेरी किताब के लिए उन्होंने भेजा ईमेल्स किए बहुत सारी चीजें हुई कहीं पसंद नहीं आई तो वापस रोशन पे हुई वो पब्लिश हुई तो सारा कुछ खुद ही किया फिर तो जो कवर उसका जो डिजाइन हुआ बहुत मुझे कहानी के अकॉर्डिंग उतनी सही नहीं लगी हालांकि उस समय आता नहीं था बहुत कुछ मैं इस मॉबल में बहुत नहीं थी तो हो गया जिन लोगों ने पढ़ा उन्होंने वापस खरीद खरीद के पढ़ा और फोटो भी भेजा बहुत सारी चीजें शेयर की तो कुल मिला के कहूं मैं संतुष्ट थी बस कवर पेज से थोड़ी बहुत ज्यादा ये हुई मैं क्योंकि कोई कहते हैं ना पहले सामने वाले को वो देखते हैं तो पहला जो इम्प्रेशन होता है वो वाला जो हमारे अंदर मिथ है आ, ये है लेकिन खैर कोई बात नहीं कभी सोचूंगी इस बारे में चेंज करूं देखते हैं आगे क्या होता है फिर मैं संतुष्ट हूं अपनी कहानी से मुझे बहुत अच्छा लगा और जिन्होंने पढ़ा उनको भी अच्छा लगा जी आप प्रतिलिपि पे देखें और योर कोड पे देखें और इसके अलावा भी मेरे पर्सनल जो मेल्स आते हैं लंबे लंबे आते हैं बहुत सारे तो वो खुद में एक अच्छी खुशी मिलती है मुझे लगता है कि हाँ चलो मैंने अच्छा काम किया है और वही बात फर्स्ट इम्प्रेशन और जो बुक कवर वाली तो हमने अभी हाल ही में एक एपिसोड भी किया था अगर आपने नित्या जी के साथ जी। तो उसमें यही डिस्कशन था पूरा का पूरा कि हम कैसे अपने कवर तो से जज कर देते हैं या इंसान को उसके रंग से जज कर देते हैं या फिर उसके उसकी बोली से जज कर देते हैं कि हाँ अच्छा ये यहाँ का है या वहां का है या ये पैसा है, है जो तो वो तो है और वो हमारे अंदर हम लोग लेके घूमते हैं उसका कोई इलाज नहीं है तो हाँ ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है कि हाँ। जी और एक साइंटिफिक फैक्ट ये भी है कि वो जो होता है फर्स्ट इम्प्रेशन वो दिमाग पे असर करता ही है अब कितना भी आप उसको कवर अप कर लो हाँ भेदभाव हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन एक इंसान का जो फर्स्ट इम्प्रेशन तो तो नहीं तो नहीं है और आपने बताया कि जो नई अब, अब कुछ लिख रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप एक किताब पे तो काम चल रही है और कविताएं चलती रहती है बीच बीच मुझे लगता है अक्सर मैं लिखते समय हो सकता है कि मैं स्त्रीवादी हो जाती हूँ कई बार लेकिन ऐसा नहीं है जब आप किसी उपन्यास को लिख रहे होते हैं तो आपका केंद्र जो आपका हीरो होता है ना एक होता है आप उसको डिफाइन करते हो कैरेक्टर को आप उसे लेके चलते हो उसके आसपास की घटनाओं को उसके जीवन के बदलाव को तो अगर आपके उपन्यास या कहानी में कोई मेन किरदार अगर आपकी स्त्री हो जाती है तो वो उसी के आगे पीछे पूरी कहानी जाएगी आप आ, कोई वेब सीरीज नहीं बन रही है कि हर किरदार को हमें निखार के बताना होगा हम उसे उतनी ही जानकारी देंगे जो उसके लिए जरूरी होता है उसकी जिंदगी के लिए तो शायद इस वजह से भी हो सकता है तो मेरे में सबसे पहला होता है स्वयं को ढूंढना अब वो हीरोइन रहे, या रहे? <laughs> <देखे>। <laughs> तो केंद्र बिंदु वही रहेगा विमर्श उसी पे चलेगा और यही है उसके आत्मसम्मान की बात होगी परिवार के दायित्व का समाज का जो हमारा है किसी को ढूंढते हैं आगे चलते हैं और भी चीजें जो आएगी साथ में वैवाहिक जीवन के जब कोई लड़की माँ नहीं बन पाती है या फिर कोई कहीं दूर रहता है कितना आसान होता है किसी भी अकेले स्त्री के ऊपर उंगली उठा देना जी। चरित्र पर आप उस पर बात करती भी किताब है कह सकते हैं तो 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 इंतजार रहेगा फिर और किताब से फिर मैं वापस लौटूंगा हम जो लिखते हैं ना वो हमारे अनुभव पे ही होता है हमारी जिंदगी में हमने जो भी आसपास देखा होता है या खुद महसूस किया होता है या आप बीती भी थे बार हम उसमें जोड़ देते हैं तो जैसा कि आपने बताया कि आप मूलतः बिहार से आ, अररिया जो एक जी। जिला है वहां से हैं और वहां से आपका जो सफर रहा है दिल्ली एनसीआर तक का तो वहां और यहाँ जो अभी आप जहाँ पर हैं क्या बदलाव आपने देखा मैं आ, मैं शादी के बाद आई हूँ और आ, तो मैं जब पहली बार मैं ट्रेन से उतरी तो मेरा पहला रिएक्शन था यार ऑटो या भी इतना स्पीड से क्यों भागता है <laughs> रिक्शा भी तो यहाँ पे सब कुछ भागता हुआ है किसी को फुर्सत नहीं है कि दो पल बैठ के हम बातें भी कर सकते हैं या अपने बारे में सोच सकते हैं तो ये मेरा पहला अनुभव रहा और सबसे बड़ी चीज मुझे अच्छी ये लगी यहाँ छोटी छोटे जगहों का जो उपयोग किया जाता है ना बालकनी है तो चलो ऊपर है वहां पे आ, कुछ ना कुछ चलो बाथरूम बना दिया घेर दिया कुछ ना कुछ बन गया गांव में ऐसा नहीं है बहुत सारी खुली जगह होती है आंगन होता है बरामदा होता है द्वार होता है यहाँ पर सिमटे हुए हैं एक कमरे में चार दीवारी के भीतर बहुत सारी सासे हैं और आपके बगल वाले कमरे से किसकी सांसें हैं दफन है या जिंदा है वो पता नहीं चलती लोग गैर से हैं लेकिन बहुत समय रहते हुए आपको फिर है ना आप उस स्थिति के अनुकूल हो जाते हैं आपको लगता है हम भी तो वैसे ही होते चले जा रहे हैं अगर आप बात करेंगे तो वो बात करते हैं ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करते हैं आप कहीं भी आपके घर में कोई अजनबी अचानक आ जाता है तो घर वालों को भी तो एडजस्ट करने में समय लगता है तो ये बड़ी बात है ना कि दिल्ली जैसा बड़ा शहर छोटा दिल्ली है एनसीआर बहुत बड़ा हो गया जो भी टुकड़ों में यहाँ वहां है डिवाइड जो रोजगार के लिए लोग आते हैं उसके भी। लिए भी तो कठिन होता है हम जैसे लोगों को अपनाना तो हम उसकी स्थिति से देखते हैं तो ठीक है अब आदत हो गई है अब ऐसा कुछ नहीं लगता कई बार लोग पूछते हैं अच्छा गुरु में रहते हो सुना है वहां बड़ा लड़कियों का लेके ये है ऐसा नहीं ठीक है सब ठीक है अब आराम से रात में भी निकल जाओ तो कोई टेंशन नहीं है हाँ, में ये चीज है कि आप रात को निकल नहीं सकते शाम होने के बाद यहाँ पे वैसी चीजें नहीं है तो एडवांटेज के साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं अपने, -अपने है, सादा जीवन है हरियाली है, तो है वहाँ और यहाँ चीजों का अंतर है।, है हाँ और जैसे, भी हो जाती कि में अब जैसे हो गया है कि आपने अभी बताया की हाँ लड़कियों को लेके सेफ नहीं है पर मुझे लगता है फिर वो तो फिर इंडिया में कहीं भी नहीं है अगर आप, नहीं भी नहीं। आप कहीं भी नहीं है कहीं भी नहीं है मतलब गाँव में भी सेफ नहीं है शहरों में भी सेफ नहीं है तो कहीं नहीं बट हाँ वो एक तमगा लगा दिया जाता है कि गुड़गांव सेफ नहीं है तो दिल्ली कौन सा सेफ है या कोई भी शहर सेफ है कोई नहीं है और, और आप जहा रहते हैं वहां से आप जैसे आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आपका थोड़ा सा जुड़ाव भी हो जाता है और जो वो जगह भी आपको अपना लेती है और आप भी उसे अपना लेते हैं बिल्कुल मुझे याद है शादी के बाद मेरी दादी सास ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि टमाटर टाइप होना चाहिए इंसान को जब तुम्हें कोई नहीं अपना रहा हो तुम सबको अपना लो क्या बात है हर सब्जी के साथ स्वाद बढ़ जाता है तो जीवन हो रिश्ते हो हर जगह ये फॉर्मूला बहुत काम आता है आलू बनिए टमाटर बनिए आलू की जैसी सब्जी <laughs> और सब जगह चल जाती है टमाटर भी सब में चल जाता है और ये भी सही है हाँ ज्यादा क्या कहते हैं वो भिंडी भिंडी बनने की कोशिश ना कीजिए आलू टमाटर बनके रहिए तो गुड़गांव में अब जैसे आप रह रहे हैं और आप अभी लिखने के अलावा जो जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि YouTube में काफी आप एक्टिव हैं चाहे उसमें शॉर्ट्स बनाना हो या इंटरव्यूज लेना हो लाइव आप करते हैं हर हफ्ते हाँ जी अभी तक हमने ये बात नहीं बताई है कि जो आपका निक जो पेन नेम है वो शब्द वेनी अपने हर जगह रखा हुआ है तो मीनाक्षी शुक्ला चाहे ना पता हो लोगों को लेकिन शब्द वेनी अगर हम बात करेंगे तो काफी लोग होंगे जो उससे पहचान जाएंगे हाँ, हाँ, कि ये हमने रचनाएं है पढ़ी हैं या लाइव देखा है शो में तो ये शब्द वेनी की जो अगर आप बताना चाहें कोई जर्नी है या फिर अचानक से नाम आया और नहीं जर्नी है अचानक से अचानक से कुछ भी नहीं होता मुझे लगता है किसी भी चीज के होने के पीछे बहुत समय से कुछ ना कुछ चल रहा होता है तो ना, मैंने 2022 में 22 या फिर शायद 21 होगा मुझे ठीक ठीक याद नहीं है मैंने ब्लॉग लिखना शुरू किया था मुझे ये लगा था कि मेरी कुछ रचनाएं एक जगह बिल्कुल एक हिस्से में कहते हैं ना कविताएं मैं आर्टिकल्स उस समय बहुत लिखे थे लिखे थे मैंने कोरोना के टाइम में मैंने काफी आर्टिकल्स लिखे मुझे लगता है कि अच्छी खासी रचनाएं हो गई थी यार तो बहुत लोगों ने बोला आप आर्टिकल बहुत अच्छा लिखते हो तो वो एक हो जाता है चलो आर्टिकल्स लिखते हैं तो मैंने ब्लॉग बनाया अपना तो इन्होंने कहा कि एकदम ऐसा जो होता है ना की वर्ड लोग तुरंत कैच करते हैं एक वर्ड का हो बहुत छोटा हो यूनिक जैसा लगे बहुत सोचा तीन दिन से अचानक से आया शब्द बेनी शब्द बेनी का तात्पर्य मेरे हिसाब से वो स्त्रियां जो संसार को अपने बालों में बांध के जैसे बालों की बेनी होती होती है ना शब्दों की चोटी वो लेकर संसार में चल पड़ती है स्वयं को ढूंढने और शब्दों की माला लागू शब्द वेनी। तो मेरा ये तात्पर्य था उसके बाद मैंने ब्लॉग लिखना शुरू किया शब्द वेनी की जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई और उसके बाद उसी नाम से और मुझे बहुत समय से था कि अपनी आवाज के साथ मैं कुछ ना कुछ करूं तो YouTube का ऐसे ही उस समय एक पोएट्री करके कोई चैनल है पोइट्री येलो कलर में कुछ है उसका लोगो ध्यान नहीं आ रहा मुझे तो वहां पे मैंने मेरी एक कोई राइटर है उनका मैंने देखा बड़ा अच्छा लगा मुझे कि उनकी आवाज में उनको पूछा आपने कैसे किया बोला अरे कुछ नहीं किया मैंने तो बस आवाज वो अपनी ये की फिर वो उन्होंने अपना मिक्सअप ऐसे ऐसे करके किया मैंने कहा चलो हम भी करते हैं उसी समय नया न, आ, योर कोट पे पैड हो गया तो हम आ गए हम जैसे लेखक होते हैं झोला वाले पैसे वैसे तो होते नहीं है देते थे जहां मिला मौका उधर तो आ गए इंस्टाग्राम पे तो उस समय एकदम अलग अनुभव तो आ तो गए पर एक्टिव नहीं थे बहुत समय पहले आ गए एक्टिव नहीं थे बिल्कुल तो वहां पर जो है कुछ मैंने पोस्ट देखी रील्स देखी जो अपनी आवाज में थी और उसके साथ इमेज लगे हुए थे तो चलो शुरू करते हैं यूं ही बैठे अपनी ही पोइट्री दुख पहली पोइट्री थी मेरी एक मिनट की वीडियो है एक मिनट नौ सेकंड की तो तो वो दिया और उसे जब मैंने शेयर किया अपने तो तो रचनाएं करो आप मेरी रचनाएं करो तो मैं आ, मुझे अच्छा लगने लगा सबकी रचनाएं करके मैं उसके बाद मैंने अपनी एकाध पोएट्री डाली होगी उसके बाद सबकी रचनाएं हैं उसपे जिन्होंने भेजी मैंने किसी को आज तक मना नहीं किया अभी भी इनफैक्ट कितनी सारी रचनाएं पड़ी हुई है मैं अपने समय अनुकूल ही करती हूँ तो उनकी रचनाओं को फिर मुझे लगा कि चलो एक ऐप से उसे अच्छे से वीडियो क्रिएट फिर मैंने लोगों को फिर मैंने देखना शुरू किया बहुत अभी तक मुझे लगता है यूट्यूब का एल्गोरिथम तो मुझे बहुत समझ में आ गया है फिर वीडियो देख देख के खुद को ही बहुत ज्यादा काम किया अपने ऊपर वीडियो मैकिंग करना और संभवतः एक डेढ़ साल के बाद मैं खुद आई वीडियो पे उससे पहले तक नहीं थी मैं हाँ तो ये जर्नी वैसे ही स्टार्ट हुई लोगों की पोएट्री करते हुए और पोएट्री के साथ कौन से भाव आएंगे क्या आएंगे वीडियो मैकिंग तो बहुत सारा चीज चलता है जी। फिर मिक्सिंग uh, वगैरह जो भी था वो करते करते पिछले साल आ, एक लाइव प्रोग्राम से मुझे आमंत्रण आया था युवा साहित्य मंच से मार्च की बात है तो आमंत्रण आया था कुछ कुछ बातें हो गई थी थोड़ा कन्वर्सेशन का तो फिर वो अगले हफ्ते हुई तो इधर जो हमारे लोग थे वो मीनाक्षी तुम्हें खुद करना चाहिए तुम्हें क्यों जाना है सुमित तुम करो होस्ट हम आ रहे हैं तो और जिन्होंने बोला है वो तीन लोग हैं अभी तक नहीं आए है मेरे सोफे बाकी सब आए हैं अब ये तो लाइव जी आना पड़ेगा उनको <laughs> नहीं आएंगे एक ने तो अभी वो डॉक्टर है आ, वो अमृतसर में प्रोफेसर है तो वो बोलती है अब तो मीनाक्षी आपके सोच के लिख जा रहे मैं नहीं आ रही एक तो अभी मैंने लिखना स्टॉप कर रखा है अभी हम नहीं आ रहे आप करो ना दी मैं आ रही हूँ पीछे से आऊंगी तो ये वाला सीन चल रहा है मुझे पता है कोई नहीं आएगा नहीं। तो लेकिन उन लोगों का इतना रहा और कुछ लोग योर कोर्ट से कि आप अच्छी होस्टिंग कर सकते हो तो एक अपने आप में होने लगा कि हाँ चलो मेरी फर्स्ट जो लाइव थी आंदा रेनू के साथ थी और वो हमने रात को लगभग बारह एक बजे बैठ के यू ही डिसाइड किया कि चलो लाइव करते हैं कल कर यूट्यूब पे और हम अगले दिन लाइव आ गए और इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला फिर तो बस शुरू हो गए चलो करते हैं अभी तक कुल बत्तीस एपिसोड हुए हैं अभी कल रिसेंटली बुक रिव्यू को लेके मैं पहला एपिसोड लेके आ रही हूँ तो बुक रिव्यू में क्या है कि सिर्फ किताब के बारे में बात होगी तो इसलिए मैंने कहा इसे बिल्कुल अलग चलते हैं क्योंकि वो टॉक्सो है और बुक रिव्यू में सिर्फ बुक के बारे में बातें होंगी तो फोर्टी फाइव मिनट का वो लाइव रहेगा निधि सैगल जी के साथ तो ये रहा तो यूट्यूब इस तरह से तो अब कंटेंट से बनाए रखने के लिए जो यूट्यूब के एल्गोरिथम होते हैं आपको शॉर्ट्स हैं डालने हैं ये वो ताकि आपकी रीच पहुंचे तो अभी कुछ महीने पहले ही वो मोनिटाइज भी हो गया यूट्यूब तो, हो हाँ। तो अब बस चल रहा है सब कुछ लेके आ रहे हैं तो कई बार लोग कहते हैं आपके चैनल पे बहुत कुछ मैंने कोई बात नहीं लिटरेचर ही है, सारा कुछ। सब कुछ गी। गी। वही है। हाँ सब कुछ है तो आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप देखिए जरूरी नहीं है कि सब कुछ हाँ। आपके लिए है मतलब हर दर्शक के लिए तो नहीं है या हर सुनने वाले के लिए नहीं है जो उसमें आपको अच्छा लग रहा है वो आप देखिए कि इसमें आपको हर कुछ मिलेगा कहानी भी नरेट करती हूँ मैं कविताएं भी हैं आपकी भी रचनाएं मिलेगी तो जो हमें अक्सर एक इधर एक कमेंट आया था कि आ, मैंने इस पर कोई रचना लिखी थी कि बहुत आसान लगता है ना आपको तथा कथित कवियों को ईश्वर मैंने कहा ठीक वैसे ही जैसे आपको लगता है हम तथा कथित कवि <laughs> 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 तो ये तथा कथित कवि जो है उनकी भी रचनाएं मिलेगी जो स्थापित कवि हैं उनकी भी रचनाएं मिल जाएगी बात है जो तो ने, बात ने <laughs> जो नए है, नए हैं उनके इंटरव्यूज कई जी जी बहुत एक बढ़िया तरीका है कि आप खुद ही आप प्लेटफॉर्म दे रहे है उनको जिनको शायद प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो आपने एक शुरुआत की है जो अभी एक अच्छी खासी रीच हो गई है तो इसके लिए आपको बहुत मुबारक और बहुत मुझे धन्यवाद लगता ये अभी जो ग्रोथ है अभी अभी तो ये तो अभी तो बनना शुरू हुआ है अभी एकदम से फिर जो ग्रोथ जंप लेता है वो होगा और शब्द वेनी जो है इसी तरीके से और आगे बढ़ती जाएगी जो एक इसका जो परिवार है जैसे आपके साथ जुड़ा हुआ है मैंने नोटिस किया है पिछले कुछ दिनों में जो कि लाइव में या फिर जो आप शेयर करती हैं उसमें जो जिस तरह का फीडबैक रहता है रिस्पॉन्स रहता है वो बहुत बढ़िया रहता है जी। तो, um, एक रचना मैं सुनाती प्रैक्टिकल जब लोग कहते हैं कि अक्सर कहते हैं ना कभी धुन में रहते हैं तो एक तुकांत रचना है मैंने लिखी थी कभी फ्रस्ट्रेशन में आके कि बातें अदावतें रिश्तों में रखिए बातें अदावतें रिश्तों में रखिए घुटन शिकायतें जमींदोज रखिए है मलाल उसकी रवायतों से तो है मलाल उसकी रवायतों से तो सीधे सीधे अपनी बात रखिए बातें अदावतें रिश्तों में रखिए, घुटन शिकायतें जमींदोज रखिए। हर बार सौदा करना पड़े तहजीब तो हर बार सौदा करना पड़े तहजीब तो जुबा भी अपनी तेज कटार रखिए बातें अदावतें रिश्तों में रखिए घुटन शिकायतें दोज रखिए हो सकता है वक्त ना हो अभी आपका हो सकता है वक्त अभी ना हो आपका पर हौसलों का तो पूरा गुलिस्तान रखिए घुटन शिकायतें दोज रखिए बातें अदावतें रिश्तों में रखिए निभ जाए तो यारी ठीक है निभ जाए तो यारी ठीक है वरना आंखों का पानी भी सुखाए रखिए बातें अदावतें रिश्तों में रखिए घुटन सिकायतें जमीन दोज रखिए क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया मतलब आप मन में भी, 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 भी।, भी रखिए और एक कटार लेके जुबान भी साथ रखिए दोनों बातें आपने कह दी हैं इन चंद <laughs> लाइनों में आर <laughs> या पार की लड़ाई है या तो आप चुप रहिए और जब बोलिए तो फिर सामने वाले को जुबान से ही समझा दीजिए कि हाँ भाई क्या आपके दिल में बहुत बड़ी बात बहुत बढ़िया कई बार लोग आ, सोचते हैं कि कैसे कैसे कांटेक्ट किया जाए कल रात की ही बात है योर कोड पे लगातार मैसेजेस आ रहे थे तो वो मैंने ज्यादातर जितने सोशल साइट्स हैं मैंने नोटिफिकेशन ऑफ कर रखे हैं क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस होता है मैं जब जाऊं अपने हिसाब से खोलती हूँ अपने हिसाब से मैनेज करती हूँ तो इधर कुछ दिनों पहले एक मैंने टॉक्सो किया हुआ था टॉक्सो विथ मीनाक्षी में नमिता जी आई थी तो इस वजह से योर कोड का रह गया था नोटिफिकेशन ऑफ तो उसमें आ रहा था लगातार तो वो पूछ रहे हैं मीनाक्षी जी कहा हो आपको एक रचना भेजनी थी करनी थी तो मैं अपने दर्शकों को बता दू मतलब क्योंकि तो मैं आपको बता दू कि आप मुझे इंस्टा शब्दवेणी पर सीधे डीएम कर सकते हैं या फिर आप गूगल पे शब्दवेणी कर लेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगी ट्विटर और कम्युनिटी uh, ऐप योर योरकोट ऐप इंस्टाग्राम तो है ही और यूट्यूब तो है ही इन जगहों पे मिल जाऊंगी और ये इसका भी एक किस्सा बड़ा मजेदार है कि मैं इतनी जगह क्यों हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने शुरुआत में सजेस्ट किया आप अपनी पोस्ट भले ही आप सीधे डायरेक्टली किसी को ना भेजो इस सब जगहों पे आप डाल दो क्योंकि आपका पेज है कोई आपको कहने नहीं जाएगा तो इस वजह से हूँ प्रमोशन के लिए कि मैं यूट्यूब पे जब काम कर रही हूँ तो जगह जगह है पोस्ट आ जाती है यहां तक डेली हंट पे भी मिल जाऊंगी और इधर कुछ रचना है मेरी अमर उजाला पे भी छपती रहती है अक्सर आती है। सोशल मीडिया में आपके पास एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि आप जो भी अपना काम कर रहे हैं वो आप अगर अलग अलग जगहों पे डालेंगे तो खुद लोगों तक वो आपकी रचनाएं हैं या फिर जो आप क्रिएट कर रहे हैं किसी भी तरह का आर्ट फॉर्म वो पहुंच जाता है तो ये बहुत जरूरी है कि हाँ, हम पोस्ट करते रहे जी रीच मिलेगी लोग आएंगे जब आपको जानेंगे तभी तो देखेंगे और सब्सक्राइब भी तो करेंगे बिल्कुल जी। तो उम्मीद है ये पॉडकास्ट सुनने के बाद और भी लोग आपसे इन्हीं माध्यमों से जो आपने अभी बताया हम इन सबकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में रख देंगे ताकि जो कि सबसे आसान तो यही है कि गूगल में आप जाके टाइप कीजिए आपको सब कुछ मिल जाएगा फिर भी हाँ। जो इतना जिनको अभी जो नए अभी जुड़नेंगे वो ये जो देखने के बाद सुनने के बाद तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में हम सारी चीजें मेंशन कर देंगे मुझे लगता है कि हर आदमी अपने आप में ना पूर्ण है और उनका जो एक उनकी जो यात्रा होती है ना हर किसी की यात्रा कभी आसान सरल नहीं होती मानव जीवन हमेशा से कठिन रहा है दुख ही उसका पर्याय होता है सुख की कामना करोगे हमेशा दुखी रहोगे किसी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना उम्मीद रखना आपको दुख के गर्त में झोंकता है आप जो हो आप वही रहो और वैसे ही बने रहो आपकी जो स्थिति है उसे मेंटेन करना सीखो और जरूरी नहीं है कि जो चीजें आपको पसंद है वो चीजें सामने वाले को पसंद आए लिटरेचर की अगर बात करूं तो अभी चैनल्स हैं जहां मैं लिख रही हूँ बहुत लोग आते हैं नए पे आते हैं अब किसी को मैं पुश नहीं कर सकती हर बार की हाँ आप आओ वो उनकी आदत है उनको क्या पसंद है क्या करना है उनकी तरह से होगा ये चीज तो ठीक है उनकी अपनी यात्रा है हमारी अपनी यात्रा है हमें ये सोचना है कि हमें अपना कैसे चलना है हमें अपने आप को लेके हम जो कर रहे हैं वो कभी ना कभी तो लोग नोटिस करेंगे भले ही कछुए की भांति ही चले मुकाम तो मिलेगा रेस तो हम ही जीतेंगे बात <laughs> बहुत बढ़िया अंधाधुन दौड़ में नहीं भागना है खरगोश की तरह बिल्कुल नहीं भागना है आराम से चलना है अपनी जर्नी को एंजॉय करना है अच्छे से बढ़िया जो हूँ खुश हूं ना कुछ सिखाना है सीखना बहुत है लोगों को देख के सुन के ये है सिखाना आप नहीं भी सिखाएंगे तो लोग अपने आप सीख जाते हैं जब वो देखेंगे कछुए को आगे बढ़ते हुए लगता है कि क्यों उसे ये देना, देना कि आपको क्या हुआ मैं पूछूं मैं जैसे हूँ वैसे ही रहूंगी आप जैसे हो वैसे ही रहोगे समझ जाओगे आप धीरे धीरे अगर समझना चाहते हो नहीं समझना चाहते तो हम उसको नहीं बदल सकते हैं बिल्कुल तो वहां पर हम अपनी ऊर्जा और अपना समय क्यों व्यर्थ करें जो हमें पसंद है वो काम क्यों ना करें क्या बात यही है मेरे जीवन का जी, मूल मंत्र मीनाक्षी जी ज्ञानी गुरु जैसे होते हैं ना ओशो ओशो की वाणी होती है वो सब हमें सुनने को मिलता जीवन <laughs> बहुत कम होता है कब कहा क्या हो जाए हम कह नहीं सकते जो जो करना है कर लो एक ही जिंदगी है आपकी एक और पॉडकास्ट मेरे दिमाग में है जिसमें ना ये हम ओशो वाले टॉपिक रखेंगे जीवन के बारे में आपसे सुनेंगे <laughs> वो बहुत अच्छा लगेगा लोगों को <laughs> ओशो को गए हुए भी बहुत टाइम हो गया ना, ना... मैंने भी लिखा भी था जी मृत्यु के लिए मृत्यु अस्थाई सुख है ये लिखा भी था मैंने अभी जस्ट रिसेंट इधर ये लिखा है मैंने मैं ये कहूंगी लोगों से हिंदी बढ़ रही है बहुत अब ऐसा नहीं है कि हम उस पर अफसोस जताए लेकिन फिर भी कहूंगी जो जो बहुत कर रहे हैं काम इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं अपना पूरा पूरा सौ प्रतिशत सत प्रतिशत देने की कोशिश में लगे रहते हैं उनको आप देखें सुने समझें और आ, हो सकता है कभी हम आपके लिए नए हो तो एक ना मजे लेना चाटुकारिता और व्यंग ये कुछ श्रेणिया है वो भ्रम में ना, ना, ना आप रहे जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे, आगे आप समझ नहीं पाएंगे लोगों को तो पढ़े चैनल शब्दी को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाए सभी आपके भी चैनल को सब्सक्राइब किया जाए क्योंकि मैं भी आई हूँ क्या बात है <laughs> प्रमोशन बहुत जरूरी है आज के जमाने में वो ये बोलना बहुत आसान होता है कि चाहे हिंदी हो या कुछ कुछ और हो ये बहुत आगे नहीं बढ़ रही है या फिर पिछड़ा हुआ है या फिर चाहे किसी इंसान के लिए हो या समाज के लिए हो बट जो लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें कुछ सुधार लाने की चाहे वो भाषा हो या फिर कोई और कुरीति हटाना हो या फिर कुछ अच्छा करना हो तो उनको सपोर्ट करना और थोड़ा सा हिम्मत देना वो भी बड़ी बात है जो कि अक्सर लोग नहीं करते एक बात और ऐड करना चाहूंगी इसमें कि कई बार कहते हैं ना आपको सोशल साइट्स पे बहुत सारा कुछ है आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है ये है वो है तो इन सब से हटके मेरी अपनी सोच है कि आप काम ऐसा करो कि जो आपके परिवार समाज जो भी आपको देखते हैं चाहे बहुत आगे ना बढ़ो पर आपकी एक मिसाल तो होनी ही चाहिए कि अपने आप को देख के पीछे शर्म ना आए जी अपनी डिग्निटी हमेशा मेंटेन रखो हाँ फिर अपने आप को खो के अगर आप कुछ पा भी लोगे तो वो उसका कोई कोई उसकी वैल्यू नहीं रहेगी वो आप फिर बाद में सही कहा आपने कि आप डिग्निटी होनी चाहिए और आपको फिर ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि हमने क्या किया क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत कम टाइम में ग्रो तो कर जाते हैं फिर लेकिन जो वहां से वो गिरते हैं तो फिर कोई पूछने वाला नहीं होता तो ये भी तो जो सूरज चढ़ा है आसमान में बारह बजे की धूप है तो मध्यान्ह होगा ही और उसके बाद उसके उपरांत जो प्रवाहन जो होगा सायकाल भी आएगा ही तो जो जितनी तेजी से चलेगा उतनी तेजी से नीचे भी आएगा तो आप नहीं। नहीं। अपनी यात्रा को बहुत आराम से मजे से जिए आराम से पहुंचे और आराम से नीचे जाए आ, एक इसी पे एक रचना है कि साहित्य पे लिखा था क्या आ, क्या यही है साहित्य तेरी साधना क्या यही है साहित्य तेरी साह साधना गहरी पीरा है भीत में और वेदना क्या यही है साहित्य तेरी साधना गहरी पीरा है में और वेदना कलम कहती है मुझको गढ़ो प्रिय कलम कहती है मुझको गढ़ो प्रिय स्व को भूल के लिखो कुछ प्रिय नीति लिखो कुरूति लिखो और तुम लिखो राजनीति आदम हवा लिखो या लिखो तुम मनु दुख मेरा सुख जैसा कल्प साहित्य सुनो के दुख मेरा कल्प समृता कहो साहित्य कैसे पीता सृष्टि के उच्छावास विस्मृति की रेखा सृष्टि के उच्छावास और विस्मृति की रेखा आओ प्राण वायु साहित्य की मेरी सुलेखा दिवस भर श्वास में तुम हृदयंगी बन दिवस भर श्वास में तुम बनो, बेला होते ही जैसे सब छूटा कहो साहित्य क्या तेरी यही साधना साहित्य बड़ा प्रेम है तुझसे फिर भी लगती हो अपनी जैसी मेरी निज मेरी भाषा आह साहित्य प्रेम है फिर भी तुमसे लगती हो अपनी जैसे निज मेरी भाषा नहीं लिखना कुछ सार्थक या निरर्थक पूर्व कहना है तुमसे मेरे मन की व्यथा सुनो साहित्य स्वीकारो मुझे पहले सबसे सुनो साहित्य स्वीकारो सबसे पहले मुझको और अंग भरो रक्त वाहिनी में रसो पहले रस दो अलंकार दो दो ज्ञान का प्रकाश दो हा साहित्य पहले मुझको सवार दो तुम सवार दो क्या बात है बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर मैं एक बात जरूर कहूंगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि तुमने इसको पढ़ा तुमने उसको पढ़ा तुमने ये सीखा जो भी है बहुत हमारे स्थापित कवि हैं तो पढ़े पढ़ने से ज्ञान बढ़ता जरूर है लेकिन सबको नहीं तोले उसमें क्योंकि सबकी अपनी एक श्रेणी होती है वो क्या पढ़ते हैं शायद उसे आपने नहीं पढ़ा होगा तो जो नए कलम है उसे भी जरूर पढ़ें उनकी जो लिखने की जो यात्रा रही होगी उन्होंने भी कुछ सीखा होगा जो वो भी हमारे से पहले थे उन्होंने भी तो पूरा पढ़ के तो कहीं पर भी वो आ, ऐसा नहीं हुआ उन्होंने पढ़ा और लिखना आज कल शुरू कर दिया और हम लोग पढ़ रहे हैं तो उस समय भी हजारों पांडुलिपियां हुआ करती थी उनमें से किसी के की बहुत ज्यादा आ जाती थी तो जैसे हम तक अभी तक पढ़ रहे हैं तो बीच में जो पुल बन रहा है जो हिंदी आ, हमारी बढ़ रही है आगे आप पढ़ें अच्छे से पढ़ें आत्मसात करें फिर अपनी टिप्पणी का प्रयोग करें बहुत बहुत सटीक बात आपने की। जी। एक बात है कि किसने ये किया तुम भी तो वही कर रहे हो अरे हर बच्चा पैदा होता है तो वो चलना सीखेगा ना तो चलना तो हर कोई कर रहा है तो तो वो वो क्या चलना छोड़ दे वो भी तो चलेगा ना चले तो सही बात बिल्कुल <laughs> बिल्कुल तो इसी सुंदर जो विचार है और जो एक 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 तरह से मैसेज है जो पढ़ने वालों के लिए और लिखने वालों के लिए इसी पे हम अपनी जो बातचीत है इसको एक पूर्ण विराम नहीं कह, कहूंगा मैं क्योंकि अल्प विराम कहूंगा क्योंकि फिर मुझे उम्मीद है कि हम फिर से जुड़ेंगे किसी एपिसोड में और और बातें करने के लिए क्योंकि बातें बहुत हैं शब्द वेनी के पास कहने के लिए और हमारे पास भी बहुत टाइम है सुनने के लिए तो जरूर हम फिर से जुड़ेंगे और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी YouTube चैनल के लिए आपकी जो आने वाली उपन्यास हैं या जो भी रचनाएं आप लिखें और उम्मीद है कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और लोगों को भी आप एक हौसला देते रहें जो आपके साथ जुड़े हुए हैं मुझे उम्मीद है कि आप आपको देखा देखी और भी लोग जो अपने मन की है वो करना शुरू करेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि हाँ दुनिया जहान उनके बारे में क्या बोल रही है क्या सोच रही है वो अपने ही अपनी जो कछुए वाली जर्नी है वो जारी रखेंगे <laughs> ये बात तो है की मुझे देख के बहुत लोग YouTube पे भी आए हैं उनका भी बहुत स्वागत है हालांकि मैंने कभी कहा नहीं है लेकिन वाकई मैं बहुत एडमायर करती हूँ मैं सबको देखती हूँ बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं से जुड़ती हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा सच में तो कई बार पहली बार मिलकर लगता है अरे कोई बात नहीं है लेकिन जब आप दोबारा मिलो अच्छा की लोग मुझे भी है लो सुनते हैं <laughs> मैं अपनी बात कह रही, <laughs> <रख> रही हूँ <laughs> जी 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 तो, तो क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें कविताएं और कहानियां भी कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी और उम्मीद है हम फिर से जुड़ेंगे जरूर सर आप जरूर गौरव जी <laughs> बहुत अच्छा लगेगा मुझे वापस से आपसे जुड़ के और बहुत सारी बातें करेंगे मैं मुझे लगता है मेरे पास बातें ही बातें हैं और जी, बहुत जी, अच्छा जी। ये शो यू ही चलता रहे मजा आएगा और बहुत सारे लोगों को सुनते रहेंगे बहुत अच्छी अच्छी लोग आते हैं अच्छी अच्छी चीजें होती हैं जो कई बार हमारे अंतर्गर्त में चली जाती है वापस से उसे हम जब रिकोनाइज करते हैं अरे ये भी था ये भी था तो वो सारी चीजें जब पॉडकास्ट में आती हैं तो हमें भी सीखने को मिलता है खुद को देख के और लोगों को भी तो हमसे सी लोग सीखना सीखे मैं तो बहुत खुश सीख रही हूँ <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के दिल से। आप सुन रहे थे द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद गौरव सिन्हा